तो हेलो दोस्तों, आप सभी ने बचपन में स्लेट यूज़ किया होगा, जिस पे हम लोग लिखते थे वो चॉक से। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिजिटल स्लेट। ये 12 इंच का डिजिटल स्लेट है, जिसे आजकल लोग राइटिंग पैड भी कहते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है मेरे पास 500 रुपये का है, 12 इंच वाला। आप इसे सस्ता भी आता है, करीब 300 रुपये में ये आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि 7 इंच का होता है। तो आज इसकी रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो अपने लाइफ में, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक आर्टिस्ट हो, अगर आपको स्केचिंग करना पसंद है तो। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसका मॉडल नंबर है पॉट्रॉनिक्स का रफ़ पैड 12M, मतलब 12 इंचेस का है। पीछे में यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, स्मार्ट लॉक के साथ आता है और लॉन्ग बैटरी लाइफ है। 1 ईयर की वारंटी आपको इसमें मिल जाती है और 30 सेंटीमीटर इसका राइटिंग एरिया है और 1599 यहाँ पर MRP है, लेकिन ये आप 500 रुपये में मिल जाएगा। बॉक्स पैक के अंदर हमें एक इन्वेलप मिलता है और इन्वेलप में ही है राइटिंग पैड। बहुत ही पतला है ये, पीछे इस तरीके का टेक्सचर यूज़ किया गया है। यहाँ पे रफ़ पैड एम की मार्किंग की गई है। नीचे में बैटरी सेक्शन है और ये बीच में आप जो देख रहे हो ये लॉक का सिस्टम है। इसे मैं अभी लॉक करके रखता हूँ। और ऊपर में यहाँ पे एक पेन दिया गया है, स्टाइलस जिसे आप कह सकते हो। स्टाइलस भी प्लास्टिक का बिल्ट है। तो इसमें जो स्टाइलस प्रोवाइड किया गया है वो जो पेन शेप का होता है, राउंड शेप का, वो ऐसा नहीं है। आप कह सकते हो ये बहुत ही अजीब शेप का है, लेकिन एक बार अगर आप इसे यूज करने लगोगे तो एक दो दिन में आपको आदत हो जाएगी। हाथ में बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। ये देखो, मैं कुछ आपको लिख कर यहाँ पे डेमो दिखाता हूँ। लिखने में बहुत ही स्मूथ फील होता है। इसका जो LCD है ये ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी पेपर पे लिख रहे हो, इसमें थोड़ा फ्रिक्शन कम फील होता है। लिखने के बाद यहाँ पे अभी डिलीट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने पीछे से लॉक किया था। तो अभी इसे अनलॉक करते हैं। इस तरीके से आप इसे पुश करके अनलॉक कर सकते हो। अभी जब मैं इसे डिलीट बटन को प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो एक झटके में ही पूरा मेरा लिखा हुआ डिलीट हो गया है, पूरा प्लेन हो गया आप कह सकते हो। तो अब मैं इस पर आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। और राइटिंग पैड में जो डिस्प्ले यूज़ किया गया है ये प्रेशर सेंसिटिव है, तो जितना प्रेशर आप स्टाइलस से आप LCD पे डिस्प्ले पे लगाते हो, या फिर अगर आप कम प्रेशर लगाओगे तो पतला लाइन आएगा, और जैसे ही आप उसका प्रेशर ज़्यादा लगाओगे तो वो लाइन थोड़ी मोटी हो जाएगी। तो ये प्रेशर सेंसिटिव डिस्प्ले होता है। प्लस ये जो डिस्प्ले है ये कलरफुल है। पीछे में यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्क्रू दिया गया है। इसका जो एक बटन सेल बैटरी होता है वो करीब 1-2 साल लास्ट करता है। पैड की जो बैटरी है करीब 20,000 टाइम्स आपको डिलीट कर देगा। और इसका मैं आपको थिकनेस दिखा देता हूँ। मेरा ये स्मार्टफोन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस स्मार्टफोन के थिकनेस से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना पतला है ये। स्मार्टफोन से अगर मैं कंपेयर करूँ तो करीब 2 राइटिंग पैड आ जाएंगे मेरे स्मार्टफोन के थिकनेस में। बहुत ही पतला है ये और बहुत ही लाइट वेट है। ईजिली ये टूटने का भी डर नहीं है इसमें, क्योंकि टोटली प्लास्टिक बिल्ट है। कोई कहीं भी यहाँ पे आपको ग्लास का यूज़ नहीं किया गया जो कि गिरने पे टूट जाएगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी बेनिफिट है। तो ये राइटिंग पैड की अगर मैं खासियत की बात करूँ तो सबसे पहले तो इसका ये डिस्प्ले है और ये बहुत ही हल्का है, बहुत ही लाइट वेट है। करीब ये 150 ग्राम का आ जाता है और ये 12 इंच का आपको डिस्प्ले मिलता है। अब देखो, जितना ज़्यादा इस पे लाइट पड़ेगा वो इतना ही ज़्यादा वो साइन करेगा। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है। लेकिन इसका एक डिमेरिट भी है कि इस कोई भी लाइट्स नहीं मिलती हैं, तो आप अंधेरे में आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। मतलब उपयोग तो कर सकते हो, लेकिन जो भी आप इस पे लिखोगे वो आपको दिखेगा नहीं। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है उनके लिए जो कि अपना रफ करना चाहते हैं, या फिर ऐसा बच्चा जिसे कि स्केचिंग का शौक हो, तो इस प्रोडक्ट का आप यूज कर सकते हो। प्लस इसका जो डिस्प्ले है ये प्रेशर सेंसिटिव है, और अगर कोई आपका बच्चा इस पे कोई अच्छा स्केचिंग करता है और आप चाहते हो कि उसे प्रिजर्व करके रखें, तो आप इसका एक फोटो ले सकते हो। पॉट्रॉनिक्स की तरफ से इसका एक ऐप भी आता है, जिनका जब आप फोटो लोगे तो ये जो लिखा हुआ है वो थोड़ा इनहेंस हो जाता है। तो इस तरीके से आप फोटो ले सकते हो। अगर आप इसे लॉक करना चाहते हो कि ये मिटे नहीं एक्सीडेंटली, तो आप पीछे से यहाँ पे इसका बटन है, लॉक कर सकते हो। तो अब जब भी आप इसे डिलीट का बटन क्लिक करोगे तो वो नहीं मिटेगा। तो 12 इंच का ये डिजिटल स्लेट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। ये प्रोडक्ट आपको अगर अच्छा लगा हो, खरीदना हो, तो लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां पे जाकर आप खरीद सकते हैं। 300 रुपये से स्टार्ट हो जाता है ये प्रोडक्ट 7 इंच के लिए। 10 इंच का करीब 500 रुपये में आता है। एक 15 इंच का वाला भी वेरियंट है जो आपको 1000 से 1500 रुपये में मिलेगा। तो डिफरेंट स्टाइल में आते हैं। और ये जो मेरे पास है यहाँ पे, ये है कलरफुल वाला, आप ये देख सकते हो। इसमें 3 कलर्स हैं, ऊपर में ब्लू है, उसके बाद ग्रीन हो जाता है, हल्का पीला भी है, उसके बाद फिर से ब्लू आ जाता है। तो डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर इसमें प्रोवाइड किया गया है आपको। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।